क्या हाल है भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो आज आया है आरसी और भाई का ट्रैक, और ट्रैक का नाम है हिप हॉप का डॉन। और भाई साहब टाइटल में लिखा है आरसीआर इंडियास फास्टेस्ट रैप, मतलब कि अभी तो आप लोगों ने सुना होगी उसकी रफ्तार की सुनी होगी, स्वैग मेरा देसी वाली, वो रैप बहुत ज्यादा फास्ट है। तो भाई ने ये लिखा है और इसमें लिखा फास्टेस्ट रैप, तो देखते हैं भाई कितनी फास्ट है कितनी फास्ट नहीं है, और ट्रैक भी सुनते हैं कैसा होने वाला है। क्योंकि इस ट्रैक को लेके भाई ने बोला था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत टाइम से मैंने रख रखा था। मैं सोच रहा था कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो उसके बाद मैं इस ट्रैक को आउट करूं और उसके बाद मुझे शोस मिले, मतलब शो वगैरह गाने वाने गाने का भाई वो सब चीज़। तो सुनते हैं भाई पहले इस भाई के ट्रैक को, इसको सुनते हैं कैसा होने वाला है। फुल स्क्रीन हो जा भाई, अरे हो जा हिप हॉप का डॉन, ये तो वैसे घूमने जा रहा है। ओहो, ये अभी कुछ हीर आख दी वे जोगिया, ये तो भाई फोक सॉन्ग आ रहा है पूरे, सुनते हैं अभी तो। झूठ बोले ओ यार लेट हो गया आज, उस्ताद जी से पक्का गालियां पड़ेंगी। ते कौन रुठड़े यार मनावदा, क्या लगता है आपको ये सब चीज सुन के कि भाई रैपर हैं या फोक सिंगर हैं? मेरे को तो भाई फोक सिंगर लगते हैं। जो भी है टैलेंट बहुत है हमारे आरसीआर भाई में, आपको पता भी है और आप सुन भी सकते हो। देखो उस्ताद जी, ये क्या कर रहे हो आप? वो करिए ना जो आप 4-5 साल पहले कॉलेज में किया करते थे, कुछ भी रॉकिंग सा मचा डालो ना। अच्छा भाई साहब, एक मैसेज लेके आया है आरसीआर भाई, मतलब कि जो पब्लिक इनसे बोल रही थी कि तू भाई शायर है, सिर्फ शायरी ही करेगा, तेरे को हिप हॉप नहीं आता है, तू रैप वगैरह नहीं कर सकता। तो वो चीज भाई ने स्टार्टिंग में एक इंट्रो से हमें दिखा दी है कि उनको सब कुछ आता है, और आगे देखते हैं क्या होने वाला बवाल। कौन आया शुरू में हाइप सी क्रिएट करी और फिर बता दिया हिप हॉप का डॉन आया। अब सुनते हैं भाई ट्रैक को। वीडियो खतरनाक होने वाली लग रहा है पूरा, जैसा थंबनेल देखा था ना भाई उसी तरह की ये वीडियो होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। लास्ट में बात करेंगे ट्रैक के बारे में। बरसने दिया जिन्होंने बरसना था, आज हम बरसने वाले हैं और समंदर छोटे पड़ जाएंगे। सही में भाई वीडियो शूटिंग जो होने वाली है ना इसकी बहुत खतरनाक लग ही रहा है, अलग ही लेवल का ट्रैक होने वाला, जैसा भाई बोल रहे थे वैसा ही होने वाला। ए बड़ बेटा तुझ में बाती नहीं है, मुझसे तू लड़े तेरी औकात ही नहीं है। आगे बड़ बेटा तुझ में बाती नहीं है, मुझसे तू लड़े तेरी औकात ही नहीं है। कौन आया भाई साहब खतरनाक। मैं सोच रहा था वैसे भाई ने जो टाइटल रखा है हिप हॉप का डॉन, कैसे करके इसको बोलने वाले तुझे जानना है मेरे बारे में तो गूगल पे सर्च कर। दोबारा से सुनते भाई, काफी फास्ट है, थोड़ा ध्यान लगाते हैं। बोलो तुझको क्या आता है तुझे मेरे बारे में जानना था गूगल पे सर्च कर भाई साहब।
घर के खूटे में मुझे वाला साहब मेरा नाम चला तुझे बेटा ठंड की तरह देख लड़ने से पहले तेरे हाथ रे काब तू 400 का चाइनीज मोबाइल है मेरी चमक जैसे वाइट उसी टैल है तू बाहर से बम अंदर से चूना इधर देख शब्दों से लैस मिसाइल है गिरूंगा बेटा तुझ पे बन के परमाणु तू घंटा उखाड़ मेरा फिर तुझे मानूं जानूं तेरे में जो तम मैं तू सैनिक का छोटे सेनापति हम मैं कम मैं तेरे पास हम मैं कम है भाई साहब बहुत ज्यादा स्पीड है सही में बहुत ही ज्यादा टैप की स्किल प्रेग्नेंट दिमाग तेरे भाई साहब रखा आई पिल क्या बोल दिया पता पता मैं तुझे खोल दिया चला था रास्ते पे अपने ही ध्यान से नीचे देखा और तुझे कदमों में रोल दिया नहीं बचता रही मैं सस्ता बच्चा हंसता रैप है खस्ता फंसता ना ही ठस्ता रास्ता ना साफ का पाप हूँ मैं रैप गेम का भूखा नहीं मैं फेम का तू मुझे बताएगा रुतबा क्या मेरे नेम का तू पाप हूँ मैं रैप गेम का भूखा नहीं मैं फेम का तू क्या बताएगा कि कौन हूँ मैं दिलचस्पी जब बात हो रही औरों की डिस कल्चर को तहे दिल से फक शेर नहीं आते जब रेस लगी घोड़ों कल्चर को दे दिया भाई और शेर नहीं आते घोड़ों की रेस मतलब कि यार अलग ही राय में एक बार दोबारा से सुनते हैं काफी ही कर्राई वाला भाई ये ट्रैक है समझ कम आ रहा है मेरे को करोड़ों की नहीं दिलचस्पी जब बात हो रही औरों की डिस कल्चर को तहे दिल से फक शेर नहीं आते जब रेस लगी घोड़ों की मामूली सा लगे सबको यहाँ तक आना आसान लगता है मेरे जैसा लिख पाना दो दिन गुजारे होते साथ पता चलता के कहते किसे है फट के हाथ में आना लगता है लोगों को भाई आरसीआर जो लिखता है आसान लगता है कि ऐसा हर कोई लिख लेगा मतलब लिख पाना शायर लोगों को सुना है एक बार देखना भाई आसान और उनके लफ्ज देखना उनके वर्ड देखना अगर आसान होता तो आप लोग क्यों नहीं बन जाते शायर आसान कुछ नहीं है तो उसी चीज को भाई ने बताया कि आसान लगता है लोगों को कि मैं जो लिखता हूँ वो आसान है एक बार लिख के देखो तो पता चल जाएगा क्या चीज है दोस्त नहीं था कोई जब जिंदगी थी कहर में नाम होते कि जो बीच में आता ना एक अपने बारे में बताना डूबा मैं गुमनामी की लहर में तब किसी ने ना पूछा खाना खाया बेटा आज दावत पे दावत क्योंकि चर्चे हैं शहर में एक और बार सुनते हैं इस लाइन को दोबारा कल्चर को तहे दिल से फक शेर नहीं आते जब रेस लगी घोड़ों की मामूली सा लगे सबको यहाँ तक आना आसान लगता है मेरे जैसा लिख पाना दो दिन गुजारे होते साथ पता चलता के कहते किसे हैं फट के हाथ में आना दोस्त नहीं था कोई जब जिंदगी थी कहर में ना कोई जब जिंदगी थी कहर में नाम होते डूबा मैं गुमनामी की लहर में गुमनामी की लहर में तब किसी ने ना पूछा खाना खाया बेटा आज दावत पे दावत क्योंकि चर्चे हैं शहर में खाना खाया और अभी दावत पे दावत पूरे शहर मतलब चर्चे हैं शहर में कमाल की लाइन है कौन आया कौन आया कौन आया डोन आया डोन आया डोन आया डोन आया कौन आया कौन आया कौन आया डोन आया डोन आया डोन आया डांसर लोगों के लिए खतरनाक बना दिया और ये सही में इसमें डांसर लोग भी हैं भाई साहब देखते हैं मतलब कि बीट प्रोड्यूस किसने करी है टाइटल में तो कहीं लिखा नहीं है नीचे देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में लास्ट में देखते हैं कमाल की मतलब डांसर लोगों के लिए भी कुछ वाइब दे दी भाई ने इस ट्रैक में कमाल है और पूरा ट्रैक 7 मिनट 40 सेकंड का भाई साहब समझ रहे हो तेरी बार से एक पड़ी मेरे जूतों में नहीं दिलचस्पी तुझ जैसे कुत्तों में शुरू से हीरा लंबी रेस का मैं घोड़ा फेम मुझे सबसे आगे लेके दौड़ा मैंने सबको कर दिया चकनाचूर मुझे दिखना मुकाबला मेरा कोसों दूर मैंने कहंदे सी तू कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना भाई साहब पंजाबी भी आ गई कलाकारी विच तू भुखे मरना तू इत्थे ही मरना भुखे मरना
हसते सी जद रैप में गांदा अज को नाते मैनू तरस है आंदा हसते सी जब मैं रैप में गांदा गोंदा और अब जाके तरस उनको ये आंदा कैसे भाई अब जाके मुझे तरस आंदा मतलब तरस आता हां देख दौड़ा मैंने सबको कर दिया चकनाचूर मुझे दिखना मुकाबला मेरा कोसों दूर मैंने कहंदे सी तू कुछ नहीं करना कलाकारी विच तू भुखे मारना हसते सी जद रैप में गांदा अज उन्ना ते मैनू तरस है आंदा सी मैं जब रैप करता आज मुझको उन पे आता है तरस आंदा ये बेफिक्र होके बोलूंगा जैसे मैं जैकी श्रॉफ हार्ड बोले खुद को असल में मीठी सौंफ सोशल साइट्स पे बनते हैं बिगी नास जो सामने देख मुझे हो जाते जर्क ऑफ डरता नहीं माँ कसम मैं नहीं या तू नहीं रैप करता हूँ मैं तुम्हारे जैसा गू नहीं क्या लगा जड़ से मार के मुझे फेंक दोगे रैप स्टार हूँ बालों में चलने वाली कोई जू नहीं ढूंढो लगा तुम मुझे फेंक दोगे रैप स्टार कोई सिर में चलने वाली जू नहीं जू मतलब कीड़ा आपकी मम्मी वगैरह निकालती होंगी ना बचपन में भाई स्कोप से मुस्सा मिले जो शायर तेरे जैसे साफ सफाई को किए हायर साइंटिस्ट कहे तेरे पास एलियन ब्रेन चूस लिया है पॉप में रैप का वैम तेरे पास एलियन ब्रेन और चूस लिया रैप का ना हिप हॉप का वैम्पायर दोबारा से सुनते भाई साहब ये लाइन मैंने सुनी हुई है यार पहले शायद आरसीआर भाई की फेस से सुनिए गए जड़ से मार के मुझे फेंक दोगे रैप स्टार हूँ बालों में चलने वाली कोई जू नहीं ढूंढो टेलीस्कोप से मुस्सा मिले जो शायर तेरे जैसे साफ सफाई को किए हायर साइंटिस्ट कहे तेरे पास एलियन ब्रेन चूस लिया है पॉप में रैप का वैम अपने रैप का वैम्पायर भाई साहब वैम्पायर मुझे तो अब कोई फिक्र नहीं देखो चाहे लोगों में मेरा कोई जिक्र नहीं खत्म हो जाए जिससे मेरी कला बनेगा ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं डर कोई फिक्र नहीं लोगों में अभी मेरा जिक्र नहीं कैसे भाई लाइन फिर एक बार स्टार्टिंग दोबारा से सुनते हैं इस लाइन को रैप स्टार हूँ बालों में चलने वाली कोई जू नहीं ढूंढो टेलीस्कोप से मुस्सा मिले जो शायर तेरे जैसे साफ सफाई को किए हायर साइंटिस्ट कहे तेरे पास एलियन ब्रेन चूस लिया है पॉप में रैप का वैम्पायर मुझे तो अब कोई फिक्र नहीं देखो चाहे लोगों में मेरा कोई जिक्र नहीं खत्म हो जाए जिससे मेरी कला बनेगा ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं डर है तुझे तो मौला होगा नहीं ऐसा कोई ट्रिगर नहीं ट्रिगर बंदूक डर जलसी की आग में इतना नफर चलने की के रास्ते आगे तो बढ़ फिर सोच के डर तो यहीं पे मर अब किसी की ना परवाह बस मंजिल मेरा राह भाड़ में जाओ तुम सबके सब आरसीआर गया है आ क्यों मैं किसी की नहीं परवाह एक मिनट दोबारा से का वैम्पायर मुझे तो अब कोई फिक्र नहीं देखो चाहे लोगों में मेरा कोई जिक्र नहीं खत्म हो जाए जिससे मेरी कला बनेगा ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं डर है तुझे तो मौला से डर जलसी की आग में इतना नफर चलने की के रास्ते आगे तो बढ़ फिर सोच के डर तो यहीं पे मर अब किसी की ना परवाह बस मंजिल मेरा राह भाड़ में जाओ तुम सबके सब आरसीआर गया है आ क्यों मैंने नहीं पता आपको पता होगा मैं नहीं सुनता था भाई पहले मतलब कि पहले वाला आरसीआर आ चुका है कुछ ना कुछ तो है कमाल का और फास्टेड जो लिखा है ना भाई टाइटल में वो 101% है इंडिया फास्टेस्ट रैप आप लोग बताओ रफ्तार से ज़्यादा फास्ट है क्या बताओ भाई साहब डॉक्टर साहब आ गए ओए किधर आ हाँ भाई चला भाई अभी रॉकेट चलते देखा है डॉक्टर रॉकेट चलाए ये देखो अरे आगे बढ़ साथ अगले जुबान बड़ी तेज मुकाबला तो कर मेरे से तो हाजियां वार तू कर एक झटके में बढ़ता खोल दूंगा सर तेरे पास सुनर तू कर पे रहे फैसला चल लोगों के सर पे हर कहीं होने लगे मेरे बारे बता जगह जगह लोग करें मुझे पीछे कई बार ऐसा लगा वो लोग सकल अंदर मुझे मेरे भाई यहां अपना भी कोई मेरा निकलना सका और हलचल होगी मेरे अपने को दिलों में छिन जाने वाला हम सब का आज और गली गली होगा अपने छोर मेरे नाम का इंडियन ऐप रोहित का राज सच महंगा मैं इतना तू बेच के खुद को करना पाएगा मुझको अफोर्ड कोई बचेंगे नहीं मेरे काम के कैसे लो आ गया बेटा इंडियन रैप कोड दोबारा से सुनते हैं यार इसको ज्यादा फास्ट है ये तो कुछ
चल बड़ा आगे बढ़ साथ अगले जुबान बड़ी तेज तुम काबला तो कर मेरे से तो हाजाम वार तू कर एक झटके में बड़े तरह खोल दूंगा सर तेरे पास सुनर तू कर पे रहे पैसा चल लोगों के सर पे हर कहीं होने लगे मेरे बारे बता जगह जगह लोग मुझे पीछे कई बार ऐसा लगा वो लोग सकल अंदर मुझे मेरे भाई यहाँ अपना भी कोई मेरा निकला सका और हलचल होगी बड़े अपनों के दिलों में किचन जाने वाला हम सब का ताज और गली गली होगा पटेचोर मेरे नाम का इंडियन रैपर रोहित का राज सच महंगा मैं इतना तो बेच के खुद को करना पाएगा मुझको अफोर्ड कोई बचेंगे नहीं हाँ मेरे काम के कैसे लो आ गया बेटा इंडियन रैप गॉड उस्ताद जी फट गई डॉक्टर साहब से कह रहा है उस्ताद जी फट गई ईमानदारी रग रग में ना आदत मुझे चीट की डिमांड बढ़ गई पहले से ज्यादा मेरे गीत की कोई भी फन्ने खा आ जाए रैप सीन का उम्मीद पैरालाइज उसकी मेरे आगे जीत की लेखा मतलब कोई भी आ जाए खतरनाक लेखाई वाला उसकी रैप जो है मेरे आगे पड़ गई पैरालाइज ऐसा कुछ लाइन है मतलब की उसकी चीख की एक बार और सुनते है भाई खतरनाक बात है हाँ मेरे काम के कैसे लो आ गया बेटा इंडियन रैप गॉड उस्ताद जी फट गई ईमानदारी रग रग में ना आदत मुझे चीट की डिमांड बढ़ गई पहले से ज्यादा मेरे गीत की कोई भी फन्ने खा आ जाए रैप सीन का उम्मीद पैरालाइज उसकी मेरे आगे उसकी उम्मीद मेरे आगे पड़ गई पैरालाइज ऐसा कुछ उम्मीद गीत की दिल की बातें किसी से मतलब की उनकी बातें मेरे आगे पड़ चुकी उनकी उम्मीद की बातें उनकी उम्मीद मतलब उनकी सोच पड़ चुकी भाई के आगे पैरालाइज करता नहीं शेर खुशियों के मैखानों में गमों से करता चेर सुना कई लोगों को पसंद नहीं मैं आ रहा गो फक योरसेल्फ हजारों फकिंग के क्या बोल रहा भाई पसंद क्यों नहीं आ रहा शायर बोलते हो नहीं शेर खुशियों के मैखानों में गमों से करता चेर सुना कई लोगों को पसंद नहीं मैं आ रहा गो फक योरसेल्फ हजारों फकिंग के दिस कल्चर से नाता मुद्दत से तोड़ दिया है मुझे मत सिखाओ क्या होता है हिप हॉप ये सब लिखना चार साल पहले ही छोड़ दिया मैंने जोड़ना छोड़ दिया है और मुझे मत सिखाओ हिप हॉप ये सब चीज मतलब ये सब लिखना चार साल पहले छोड़ दिया है चार साल पहले भाई मैं नहीं जानता था बस आप लोग जानते हो तो बता देना चार साल पहले भाई ने ये सब चीज लिख के छोड़ दिया है हजारों फकिंग के दिस कल्चर से नाता मुद्दत से तोड़ दिया है मुझे मत सिखाओ क्या होता है हिप हॉप ये सब लिखना चार साल पहले ही छोड़ दिया है कौन आया अरे भाई लास्ट में हिप हॉप का डॉन सिंगर डायरेक्ट करिए भाई और ये एसोसिएट डायरेक्टर हरीश दिन जो भी है भाई और ये लिखा ओप लिखा गया है अनुराग दुबे कौन आया कौन अधिकारी इन दो भाई ने भाई इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया भाई म्यूजिक बहुत ही अलग लेवल का मतलब डांसर लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा म्यूजिक मिला है जिसपे भाई डांस भी कर सकते हैं लोग बट इस पे रिस्पांस कोई ज्यादा तो दिखाया नहीं यार लोगों ने बट वीडियो जो है काफी एक्सपेंसिव होगी आई थिंक सो इतनी खतरनाक भाई वीडियो है मतलब VFX का बहुत ज्यादा काम किया गया और भाई की जो लाइनें भी कमाल है भाई बहुत ही कमाल सही में आ चुके हैं RCR भाई और ये सब बात है चार साल पहले भाई ने छोड़ी है तो हम सर्च जरूर करेंगे हम देखेंगे चार साल पहले भाई क्या डालते थे क्या चीज थी और उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे और आपको बताएंगे जरूर और देखते हैं नीचे की साइड और क्या क्या चीज है भाई डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया है हिप हॉप का डॉन आया कौन आया ए हिप हॉप का डॉन आया भाई साहब समझ रहे हो खतरनाक है सिंगर RCR रैपर RCR म्यूजिक RCR म्यूजिक RCR ने किया है भाई साहब लिरिक्स RCR
कंपोजर आरसीआर, समझ रहे हो? सब कुछ काम भाई ने करे, तो ये सही में भाई खतरनाक ट्रैक है, बहुत ही खतरनाक। तो आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हो भाई के यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करो मत करो यार, चैनल तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कौन आया, कौन आया, कौन आया, हिप हॉप का डॉन आया।